वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आहा ग्लो एस फोमिंग फेस वॉश का। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड थी काफी टाइम से, तो थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो को बनाने में, बिकॉज यार देखो बनाने वाला मैं एक हूँ और जो डिमांड है, जो हमारी फैमिली की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, बिकॉज हमारी फैमिली ग्रो करती जा रही है। ठीक है, सो टच वुड अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आहा ग्लो एस फोमिंग फेस वॉश का। ठीक है, तो आहा ग्लो एस फोमिंग फेस वॉश में आपको मेजरली तीन चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसका नाम आहा ग्लो एस फोमिंग फेस वॉश क्यों है, तो आहा ग्लो को आप ब्रेक डाउन कीजिए एज ए AHA। ठीक है, AHA ग्लो। ठीक है, एस का मतलब यहां पर है सैलिसिलिक एसिड, AHA यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड है इसके अंदर, सैलिसिलिक एसिड यानी कि BHA है इसके अंदर। ठीक है, तो AHA एंड BHA क्या है ये किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स है ये। ठीक है, तो AHA स्टैंड फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड BHA स्टैंड फॉर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो ग्लाइकोलिक एसिड है उसको हम AHA बोलेंगे और जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है उसको हम BHA बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीजें इसके अंदर डाली गई है जो कि प्राइमरी इंग्रेडिएंट है। अगर आप बात करें किसी भी फेस वॉश का जो कि आपकी एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई, उसके अंदर आपको या तो सैलिसिलिक एसिड देखने को मिलेगा या ग्लाइकोलिक एसिड देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बाकी फेस वॉश से ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है आपकी स्किन को ड्राई करने की। आहा ग्लो में AHA है, ग्लाइकोलिक एसिड भी है, वो भी आपकी स्किन को ड्राई आउट करता है। तो दोनों को काउंटर करने के लिए इसके अंदर डाला गया है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज हर किसी को नहीं पता है कि इसके अंदर एलोवेरा क्यों डाला गया है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी है ड्राई आउट करने की और एलोवेरा हम सभी जानते हैं कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो दोनों आपकी स्किन को ड्राई करेंगे, उसको काउंटर करने के लिए एलोवेरा डाला गया है। तो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है 5%, सैलिसिलिक एसिड है 2% एंड ग्लाइकोलिक एसिड है 1%। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड हो गया हमारा 2%, AHA हो गया हमारा, ग्लाइकोलिक एसिड 1% एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 5%। अब इसके अंदर एक चीज और डाली गई है जो कि इसके इंग्रेडिएंट में बहुत नीचे देखने को मिलती है आपको, वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आप सभी जानते हो विटामिन सी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपके मार्क्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। सैलिसिलिक एसिड भी आपके मार्क्स को रिमूव करेगा, AHA भी आपके मार्क्स को रिमूव करेगा। ठीक है, तो जो लोग इस फेस वॉश को यूज करेंगे उनके एक्नेज और पिंपल्स भी ठीक होंगे, उनके मार्क्स भी ठीक होंगे। ठीक है, तो ये चीज मत पूछना बार बार मुझसे कमेंट में कि यार ये मास्क के मार्क्स भी हटाएगी क्या, जरूर हटाएगी। ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों इंग्रेडिएंट ऐसे डाले गए जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। ठीक है, आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, जितने भी मार्क्स होते हैं, वो आपकी स्किन की अपर लेयर पे होते हैं। आपकी स्किन की तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एक का नाम मैं भूल गया। ठीक है, तो एपिडर्मिस आपकी सबकी सबसे टॉप लेयर होती है, जहां पे आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो एपिडर्मिस है उसको एक्सफोलिएट करता है, जिससे कि आपके जितने भी मार्क्स हैं, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, वो धीरे 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 फेडअप होने लगते हैं। ठीक है, तो ये वर्क करने के लिए कम से कम 10 दिन लेगी। ठीक है, 10 दिन में आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और पूरा आप इसको यूज कर सकते हैं 3 से 4 महीना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप कंटिन्यू यूज कर सकते हो, जितना आप यूज करो, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए अच्छी सूट कर रही है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात तो हुई हमारे इंग्रीडियंट्स की, ठीक है, और ये सब चीजों की। अब एक बात कर लेते हैं प्राइसिंग, बिकॉज इंडिया में लोग प्राइसिंग को बहुत ज्यादा जो तवज्जो देते हैं कि प्राइसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्राइसिंग इसकी यार थोड़ी सी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा है। ठीक है, 60 ml आपको देखने को मिलता है 425 rupees में। ठीक है, तो अगर आप उसको कंपेयर करें सैलिसिलिक से, जिसके अंदर आपको सैलिसिलिक एसिड देखने को मिलता है, उसकी प्राइसिंग थी अराउंड 275 rupees 60 ml की। ठीक है, 1% की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 2% आप पकड़ के चलो 300-350 के करीब था। ठीक है, अब ये है 425 rupees और इसका 100 ml वेरियंट आपको देखने को मिलता है 545 rupees में। ठीक है, तो लोग जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए अच्छा फेस वॉश है, जो नहीं कर सकते भाई उनके लिए एक्सपेंसिव है। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको एक मॉइस्चराइजर भी लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो, दिसंबर चल रहा है, विंटर सीजन है, देखो विंटर्स में आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई आउट होती है। ठीक है,
अब ये स्किन इसमें एलोवेरा डाला गया लेकिन फिर भी आपकी स्किन को ड्राई आउट करेगा, ठीक है। दिन में 2 बार यूज करोगे ड्राई आउट करेगा, तो आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा मॉइस्चराइजर, देखो मैं तो कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करता पर्सनली, मैं एलोवेरा जेल यूज करता हूँ वाओ के, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज एलोवेरा जेल मोस्ट लोगों को सूट नहीं करता है, ठीक है, मुझे भी ज्यादा नहीं करता है, तो मैं लिमिटेड यूज करता हूँ। तो आप ले सकते हैं एक मॉइस्चराइजर जो है सिप्ला कंपनी का एक्सेला, उसका रिव्यू भी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो एक्सेला आप खरीद सकते हो अपने स्किन पे, आप अच्छे से सूट करेगा। बाकी आप सेटाफिल क्लेंजर यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता बिकॉज मेरे को कभी सूट नहीं करा, मैंने 3 बार यूज किया, 3 बार मुझे साइड इफेक्ट्स हुए, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अच्छा है, मोस्टली लोगों को सूट करता है। तो अगर आपकी स्किन पे, अगर आपने पास्ट में यूज किया अच्छा सूट कर रहा है, तो आप सेटाफिल इसके साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी प्राइसिंग की, ये होगी हमारे इंग्रेडिएंट की। अब हम बात करते हैं आपको उसको यूज कैसे करना है। दिन में पूरे डे में आपको 2 बार यूज करना है, ठीक है। सुबह उठते ही आपको यूज करना है, अपना फेस वॉश करना है, ठीक है। रात में सोने से पहले आपको वॉश करना है, ठीक है। इसको लगा के आपको धूप में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सेंसिटिव स्किन है बिल्कुल सूट करेगा, ड्राई स्किन है सूट करेगा, कॉम्बिनेशन है कोई भी स्किन टाइप है सूट करेगा, एक्ने प्रोन वाले बहुत अच्छे से सूट करेगा, परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। सो अगर अभी भी कोई भी डाउट है इस फेस वॉश को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हो। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो कि आपकी स्किन को ड्राई आउट, जो कि आपकी स्किन को खराब करेगा, या जो भी बैंड है उनमें से एक भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी डाले गए हैं सब अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए, कोई आपको हार्म नहीं करेगा। तो जो लोग पूछते हैं साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे मेरे भाई, ज्यादा यूज करोगे ड्राई आउट कर सकता है स्किन को, बस यही इसका साइड इफेक्ट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ड्राई करना आई डोंट थिंक सो कोई साइड इफेक्ट है, ठीक है। जितने भी एक्ने ट्रीटमेंट के फेस वॉश आते हैं वो ड्राई आउट करते हैं, जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, वो ड्राई आउट करेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी की अगर आप बात कर ले तो जेल बेस्ड है और फॉर्मिंग फेस वॉश है, जैसे कि नाम से क्लियर है, तो फॉर्म अच्छा लेदर क्रिएट होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि यार एक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पानी यूज कर रहे हैं, तो वो चीज अच्छी है, ठीक है यार। कंसिस्टेंसी ठीक है, आपको कम यूज में ही आप अच्छा से अपना फेस वॉश कर पाओगे, ठीक है। एक चीज और, फ्रेग्रेंस डाली गई है भाई, फ्रेग्रेंस इसके अंदर अवेलेबल है। तो जो लोगों को ज्यादा फ्रेग्रेंस से या ऐसे कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस वाले किसी केमिकल से एलर्जी है, जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट यूज किया हो पास्ट में, वो थोड़ा सा एक बार देख लें यूज करने से पहले, ठीक है। पैच टेस्ट कर लीजिएगा, पैच टेस्ट करने का एक बार आप यूज कर लीजिए थोड़ी क्वांटिटी में, लगता है अगर जलन वगैरह हो रही है तो आप इसको यूज ना करें, ठीक है, वापस कर दें। अगर ऑनलाइन परचेज किया है 10 दिन आपको टाइम मिलता है वापस करने का, ठीक है, तो आप वापस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम यहाँ पर आप लोगों के सामने है, डिजिटल शुभम यूजर नेम है, वहां पे मैसेज करना, ठीक है, कि भाई मुझे ये फेस वॉश के रिगार्डिंग आपसे नॉलेज चाहिए, कुछ भी, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे मैसेज कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। सो मेरी तरफ से यार आज की वीडियो में इस फेस वॉश के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो, अब इसको हम कंपेयर करेंगे आहा ग्लो के साथ जो नॉर्मल है, जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड नहीं है, तो ये कंपैरिजन होगा आहा ग्लो एस वर्सेस आहा ग्लो नॉर्मल वाली, ठीक है। तो क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी लोगों ने, लेकिन मैं सोच रहा था पहले इसका रिव्यू कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।